संख्या जानने की कोशिश भी कीजिएगा मिथिलेश, अगर आपकी अब आगे चर्चा होती है। मैं आऊंगा आपके पास, प्रशांत भी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत हमीदिया से क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ललित, एक जो मरीज यहाँ पहुंचा था या घायल पहुंचा था, रहीम नाम का शख्स, उसकी मौत हो गई है। और हालांकि वो उस हादसे में नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए घुसा हुआ था और उसके ऊपर दीवार गिर गई थी, जो जानकारी मिल रही उसकी मौत हो गई है। कुल यहाँ पर 6 मरीज यहाँ पर पहुंचे थे, 4 एम्बुलेंस से अलग अलग, और शुरुआत में रहीम आया था दूसरी एम्बुलेंस से, जिसकी मौत हुई है। और दूसरा ये कि अभी भी इंतजार हो रहा है कि कुछ और एम्बुलेंस आएगी। बताया गया था कि वहां से 20 एम्बुलेंस डिस्पैच हुई हैं, अब यहां पर 4 एम्बुलेंस आई हैं। हालांकि बीच में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो परिजन हैं वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुछ लोग लेकर गए हैं अपने मरीज को, तो अब कुछ और हो सकता है कि कुछ और एम्बुलेंस अभी यहां पहुंचे। कुछ नर्मदापुरम एम्बुलेंस पहुंची है अपने परिजनों को लेकर। कुछ हमने परिजनों से भी बात की, वो कह रहे थे कि वो वहां पर काम नहीं करते थे, वहां कैसे पहुंच गए उन्हें नहीं पता। संभव है कि ऐसे कई लोग हैं जो वहां पर रेस्क्यू करने पहुंचे हों आम, लेकिन चूंकि लगातार बैक टू बैक लगातार धमाके हो रहे थे, एक के बाद एक धमाके हो रहे थे, तो उस हादसे का वो लोग शिकार हुए हों, या फिर वहां से लोग गुजर रहे हों, ऐसे लोग भी हादसे का शिकार हुए थे। वो तस्वीरें दिखा भी रहे थे ग्राउंड जीरो की, शैलेंद्र वहां की क्या स्थिति है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वहां की स्थिति तो बहुत अलग होगी, कैजुअलिटी का आंकड़ा बाद में शायद बहुत अलग नजर आए जो अभी दिखाया जा रहा है। लेकिन जो बाकी लोग इफेक्टेड हुए हैं, गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, वो भी यहां लाए गए हैं, हादसे से जुड़े हुए कुल 6 मरीज अभी भी यहां पर हैं, इंतजार हो रहा है। अभी नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश शासन के मंत्री यहां पहुंचे थे, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों को रेस्क्यू करने की, या फिर वहां से यहां पर एयरलिफ्ट करने की, जो ज्यादा घायल हैं, गंभीर घायल हैं, जिन्हें ज्यादा और जल्दी इलाज की जरूरत है, उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर एयरलिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी एयरलिफ्ट के जरिए कोई मरीज यहां पर पहुंचा नहीं है, देखना होगा। और कुछ और एम्बुलेंस अभी जो बता रहे हैं पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई कि कुछ और एम्बुलेंस हैं अभी रास्ते में है, जो कुछ पल में हो सकता है पहुंचे। जी कोई सवाल ललित आपका हो प्रशासन से आप पूछिए, वरना मैं वासु भी दिखाई दे रहे हैं, वासु का रुख करती हूँ। जी प्लीज वासु के पास हम चल सकते हैं एक अपडेट। वासु कहाँ हैं आप, लोकेशन क्या है, और जरा बताइए क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जहां आज जो बड़ा हादसा हुआ है और गंभीर हादसा हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं जो एक बड़ी इमारत थी, फैक्ट्री थी, जहां फटाके बनने का काम होता था, वो पूरी तरह से जमींदोज हो गई। अब यहां पर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ मलबा। यहां पर करीब जब से ये पूरा हादसा हुआ है उसके बाद से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो गया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अभी भी जो आग है वो यहां पे धधकती हुई दिखाई देगी, आग जो है वो जलती हुई दिखाई देगी, धुआं उठ रहा है चारों तरफ से। यहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम्स हैं उनके द्वारा पानी की बौछारें की जा रही हैं, जेसीबी और पोकलिन जैसी मशीनों के द्वारा जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी ये लोग बता रहे हैं यहां पे कि बड़े संख्या में यहां पे लोग जो हैं वो इस मलबे के भीतर दबे हुए हो सकते हैं, जिन्हें अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि ये भी जानकारी आई है कि 200 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल हैं, 1 दर्जन लोगों की मौत की जो करीब करीब पुष्टि है वो हो चुकी है। और आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे बम बनाने का काम होता था तो ये रस्सियां उसमें इस्तेमाल की जाती थी, अभी भी ये रस्सियों में आप देखें तो आग बची हुई है, जबकि इतना देर से लगातार यहाँ पर जो काम है आग बुझाने का वो चल रहा है। इसके अलावा ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सुतली बम है, रस्सी बम है ये इनको कहा जाता है। और ये अगर आप घरे जब हम लोग किसी त्योहार में या किस तरीके से जो पटाखों का इस्तेमाल करते हैं तो यही एक सबसे बड़ा बम होता है, और यहाँ पर चारों तरफ इनका जो ढेर है वो आपको नजर आएगा, यानी कि बड़े बड़े जो फटाके हैं वो बनाने का काम यहाँ पर होता था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पर इस जगह पे होंगे। और ये जो रहवासी हैं ये अभी मुझे बता रहे थे कि ये जो आसपास के घर हैं वो तक यहाँ पे तबाह हो गए। कैसी स्थिति यहाँ पे आसपास के घरों की? अभी तक का हरदा का सबसे भयंकर यह विस्फोट हुआ है। हाँ। आसपास के घर में छेद हो चुके हैं, जो दुकान है उनमें शटर वटर टूट गई है। हाँ। और कई मजदूर मतलब किस टाइप से यहाँ पर काम किया करते थे, और यह काम फटाके बनाने का कई वर्षों से किया जा रहा था, और इस टाइप से जो लोगों में जनहानि हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ। लोगों के मकान टूटे हैं। कभी कोई सरकारी टीम आके जांच करती थी? और ये दीपक जरा ये पेड़ बता दीजिए, ये हरा भरा एक पेड़ हुआ करता था जो धमाके के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से
सूख गया है। और एक इस पूरे हादसे में यहाँ के लोगों का यह कहना है कि अच्छी बात तो कम से कम ये रही कि ये जो फैक्ट्री थी इसके चारों तरफ गेहूं के खेत थे, गेहूं की फसल अभी हरी थी और इसमें लगातार सिंचाई का काम हो रहा था, तो उस वजह से ये हादसे की जो गंभीरता और भयावहता वो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी और भी बड़ा यह हादसा हो सकता था, लेकिन आजू बाजू खेत होने के चलते और पानी की सिंचाई होने के चलते यह हादसा और व्यापक रूप नहीं ले पाया और बड़ा नहीं हो सका। आप यहाँ पे जो गाड़ियां आपको यहाँ पे नजर आएंगी, जो आसपास गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई थी, आप उनका हाल देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने गाड़ी में ही धमाका कर दिया हो। लेकिन ये गाड़ी में धमाका नहीं हुआ है, इस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। और जो मुझे अभी तक यहाँ पर नजर आ रहा है, हजारों की संख्या में यहाँ पे जो अलग अलग अमला है, चाहे फायर ब्रिगेड का हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो या फिर जो रेस्क्यू टीम है भोपाल से और सेंट्रल से भी आई हुई है, उनकी हम बात करें तो वो सब भी यहाँ पर लगातार लगी हुई है और अपना काम बखूबी कर रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए और अगर कोई और भी लोग अगर इस पूरे मलबे के अंदर दबे हैं तो उन जिंदगियों को निकाला जाए, बचाया जाए। आप देख सकते हैं कितना तेज यहाँ पर पानी का जो फोर्स है, इस कितनी तेज पानी के फोर्स के साथ यहाँ पर लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए, इस आग को बुझाया जाए। चारों तरफ से आपको यहाँ पे पानी उड़ता हुआ दिखाई देगा, पानी, धुआं, मलबा, राख और अवशेष, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। जहाँ जिंदगियां गुलजार हुआ करती थी आज सुबह तक, आज जो हादसा हुआ उसके बाद यहाँ पर सिर्फ मलबा है और सिर्फ यहाँ पे जो उदासीनता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैर पसार चुकी है। और यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे शहर के लिए काला दिन है, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था जो ये हादसा पूरा पेश आया है। और आप यहाँ तस्वीरों जी प्रशासन को आगे ये निर्णय लेना चाहिए कि इस रोड के ऊपर आगे में दो फैक्ट्रियां और फटाके की चल रही है, उसको जल्द से जल्द उनको चेक किया जाए और उनको जल्द से जल्द बंद किया जाए, उन्हें दिया जाए या तो कोई दूसरा एरिया दिया जाए, यहाँ से उनको रिहायशी इलाकों से खत्म किया जाए। कितने लोग यहाँ पे काम करते थे भैया? यहाँ पे लगभग 1000 लोग। और जब हादसा हुआ आपको अंदाजा है कितने लोग मौजूद होंगे उस समय यहाँ पे? जिस समय हादसा होगा उस समय कम से कम 250-300 लोग वर्कर इनके फैक्ट्री के अंदर होंगे। कितने लोग बच पाए होंगे? अभी 9 से 11 लोगों के बीच में आंकड़ा पहुंच चुका है जो डेथ हो गई है, कुछ 50 लोग घायल हुए हैं, जो कुछ उसमें सड़क चलते राहगीर भी है, उनकी गाड़ियों को भी डैमेज हुआ है जी। तो कुछ लोगों के अभी भी क्या ऐसा कोई कह रहा है आसपास का लोग कि हमारे कोई परिजन है वो लापता है, वो हम नहीं मिले अभी? हाँ, कह रहे हैं ऐसा है। हाँ। जब यहाँ पे अनुमान 400-500 लोग डेली काम करते थे, अपन 250 का भी आंकड़ा बोल रहा हूँ, तो अभी 26 जो 59 लोग जो हुए हैं उसमें रोड और प्लस जो डेथ हुई है 18, उनके अलावा भी फिर इसमें मलबे में कुछ बॉडियां हो सकती है। देखिए अभी भी मलबे में कुछ बॉडियां हो सकती हैं यहाँ के जो जी बताइए आप कहिए। यहाँ पे जो बारूद जिस प्रकार के कारखाने पे जो लाइसेंस था, जितनी बारूद का लाइसेंस था उससे कई गुना अधिक बारूद यहाँ पे रखा गया था, मतलब इनलीगल ये काम चल रहा था, इनलीगल ये चल ही रहा था। इसके आगे भी दो फैक्ट्रियां हैं, इसी बंदे की एक फैक्ट्री और भी आगे है, उसके बाद में भी दो फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों को भी यहाँ से बंद किया जाए। ये भी एक बड़ा जी दुर्घटना जब होती है। एक बार ऑलरेडी सील हो चुकी है फैक्ट्री जी, बिल्कुल। देखिए तमाम तरीके की ऐसी बातें जो हैं वो यहाँ पर अब निकलकर सामने आने लगी हैं कि परमिशन थी ये नहीं थी, सील हो गई थी फैक्ट्री, फिर उसके बाद भी क्या यहाँ पर कुछ गलत तरीके से काम किए जा रहे थे। हर एक इंडस्ट्री का अपना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो होता है, तो क्या उन सुरक्षा मापदंडों का यहाँ पर पालन किया जा रहा था या फिर नहीं किया जा रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि देखिए ये सब तो जांच के विषय हैं और ये सारी जांच जो है वो होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन लोगों की जान के साथ यहाँ पर जो खिलवाड़ हुआ है, जो खेल हुआ है, और ये भी पता चल रहा है कि कुछ पशु जो है वो भी इस पूरे हादसे की चपेट में आए हैं। ये देखिए थोड़ी सी अभी जो यहाँ पर मशीनें काम कर रही थी वो यहाँ से थोड़ी सी अलग हुई हैं, तो मैं आपको एक और यहाँ पे नजारा दिखाना चाहूंगा। देखिए रस्सियों के ढेर बारूद का ढेर यहाँ पर जो है वो पूरा पसरा हुआ है और इससे समझा जा सकता है कि कितना ये ज्वलनशील पदार्थ है जो यहाँ पर रखे हुए थे, जिनमें आग लगी थी, जिनमें विस्फोट हुआ था। आपके पास बड़ा अपडेट आ रहा है, 50 से ज्यादा लोग मलबे में दबे होने की आशंका है, 50 से ज्यादा, और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है। कुछ शव यहाँ मलबे में दबे हुए नजर आए हैं, बिल्कुल, और जिनको लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की 30 टीमें यहाँ पर मौजूद है। हरदा अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी है।
अभी मलबे में कई जनों की जाने भी निकल सकती है अगर प्रशासन की तरफ से। चार नाबालिग बच्चे यहाँ पे खत्म हुए इनके यहाँ तो वासु हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये फैक्ट्री थी जो अब सिर्फ वहां पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है, वहां जो तमाम लोग इकट्ठा हैं वो जानकारी उनसे हासिल कर रहे हैं। वासु बहुत सावधान रहते हुए आप इस पूरे एरिया में मूवमेंट कीजिए, क्योंकि यहां पर अभी भी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कूलिंग का काम हालांकि किया जा रहा है। वासु आगे चल रही है। बिल्कुल देखिए, और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पे इस घटना की पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, कितने लोग यहाँ पे थे, कैसे इसका संचालन हो रहा था, आपने क्या देखा, आपको क्या पता चला, क्या जानकारी मिली आपको? मेरे को ये जानता हूँ मैं, यहाँ से 2000 वर्कर काम करते थे, ठीक है ठीक है। तो इसके बाद आप न्यूज में, मतलब न्यूज आप बताइए ना, आपके पास क्या जानकारी है? यहाँ 2000 वर्कर काम करते थे, 2000 लोग यहाँ पर काम करते थे, और इनका ये कहना है कि अभी यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हो सकते हैं, और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें और भी लोगों के यहाँ पे हताहत होने की जो जानकारी है वो मिल रही है। और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जो वहां पर मौजूद गोडाउन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी बड़े बड़े पैकेजेस रखे हुए हैं। वासु आप भी वहां पर मौजूद है। शैलेंद्र, जो वहां पर आम लोग रहते हैं उनको भी कह दिया गया है कि घर खाली करें, क्योंकि कभी भी ये घर गिर सकते हैं। लोगों से बातचीत कीजिए अगर हो सके तो। अभी तक मारे जा चुके हैं, तो एक दर्द है, एक भयानक गुस्सा भी लोगों में है, और अभी भी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। अब यह देखना होगा कि इसके जिम्मेदारों के खिलाफ आखिर जिला प्रशासन या सरकार क्या कार्रवाई करती है, दोषियों को कब जेल की सीखों के पीछे पहुंचाया जाता है। कैमरामैन अजय के साथ सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर कब कार्रवाई होगी। वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। वासु, जो लोग आपके साथ मौजूद है उनका कहना है कि 2000 लोग लगभग यहाँ पर काम करते थे, तो इस आंकड़े को छिपाया क्यों जा रहा है कि सिर्फ 60 लोग, तो कभी 100 लोग, कभी 150 लोग? बिल्कुल देखिए, क्योंकि अंदाजा लगाना इस वक्त मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते थे और बहुत सारे लोग यहाँ पर काम किया करते थे, लेकिन उनकी जो स्पष्ट संख्या है वो फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ रही, और शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी मुस्तैद हैं और काम अपना कर रहे हैं, अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अभी भी आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे और लोग दबे हुए हो सकते हैं? बिल्कुल दबे होंगे, कम से कम 2000 लोग दबे होंगे। उसके बाद ये जो फैक्ट्री थी उसके पीछे जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे उनके भी मतलब क्वार्टर्स बने हैं, तो वो क्वार्टर्स भी खत्म हुए हैं, और उसमें लोग जो घर में रहने वाले बच्चे भी थे वो भी खत्म हुए हैं। बच्चों को भी ये आपको जानकारी मिली है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले भी कुछ हादसे होते थे क्या? हाँ बिल्कुल, पहले भी 3 से 4 बार घटनाएं हुई है, तो उसमें भी मतलब फैक्ट्री जो मजदूर थे वो खत्म हुए। एक सफाई कर्मचारी शहर में जो मतलब कूड़ा उठाता था वो उन्हें मतलब वहाँ शहर में फटाके बनते थे, तो वो फटाके का कूड़ा उठाया, उन्हें वहाँ कचरे के ढेर में आग लगाई, मतलब ढेर में आग जल रही थी, पर वो कूड़े में कचरे गाड़ी खाली करी और तो वो उससे वो खुद जल गया और वो खुद खत्म हो गया। तो क्या कुछ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं आपको लगता है कि कुछ कम उसमें नुकसान बताया जा रहा है या कम? बिल्कुल बिल्कुल कम बता रहे हैं, कम से कम 2000 लोगों का कैजुअल्टी है यहाँ है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है अगर इसमें सच्चाई है जो स्थानीय लोगों का यहाँ पे अनुमान है। हम उम्मीद यही करते हैं कि काश ये जो भाई साहब चीज कह रहे हैं वो ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच जाए, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में कुछ बड़े आंकड़े जो हैं वो सामने आ सकते हैं। जो यहाँ पर स्थिति है, जो यहाँ पे सूरत हाल है हाल फिलहाल, वो तो इसी ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, और मैं खुद यहाँ पे हूँ और महसूस भी कर पा रहा हूँ कि ये हादसा जो है कितना भयावह है और कितना बड़ा है, क्योंकि धुएं का ऐसा गुबार
उड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। और मैं ये भी कोशिश करूंगा यहाँ पे जो दमकल की जो टीमें हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें सर आप लोग थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे सर, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कैसे चल रहा है अभी? चलिए ठीक है, वास्तु नजर बनाए रखिए, नजर बनाए रखिए। इंदौर से भी जुड़े हुए हैं मिथिलेश, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, हरदा अग्निकांड पर बड़ा एक्शन हो सकता है, बहुत बड़ी खबर। कलेक्टर एसपी को हटाया जा सकता है, क्योंकि लगातार सवाल ये कि आखिर एक्शन कब होगा। एसडीएम और सीएमएचओ पर भी गाज गिर सकती है, तो बड़ी कार्रवाई यहां हो सकती है। हरदा अग्निकांड के बाद कलेक्टर को, एसपी को, यहां उन पर गाज गिर सकती है। साथ ही इस गाज के चपेटे में एसडीएम और सीएमएचओ भी आ सकते हैं। और वास्तु, जहां पर ये फैक्ट्री थी वहां का हाल आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे, शैलेंद्र चौहान भी लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मिथिलेश और प्रशांत भी आप तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। मिथिलेश, आपका मैं रुख करूंगी, आपके पास क्या है अपडेट? इस वक्त मैं एमवाई हॉस्पिटल में मौजूद हूं और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग घायल हुए हैं उनका इस वक्त यहां पर इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर में भी आपको दिखा रहा हूं, जो एमवाई के अधीक्षक हैं वो आपको तस्वीरों में गेट पर नजर आएंगे। वन यूनिट की जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है, चलिए उनसे बात भी करते हैं। क्या 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 कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई यहाँ पर? नहीं, व्यवस्थाएं सभी सुचारू रूप से कर ली गई हैं, चाहे वो बर्न के पेशेंट्स के लिए हो, हेड इंजरी और फ्रैक्चर के लिए। सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सिंग स्टाफ को, सभी क्लास फोर सभी को ऑन अलर्ट पर रखा है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, सभी ऑन अलर्ट है। और जैसे ही पेशेंट्स, अभी एक पहला पेशेंट शायद अभी जल्दी आ जाएगा, तो जो पेशेंट्स आते जाएंगे तो उनको सुचारू रूप से इलाज प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो अभी पेशेंट आ रहे शायद उनको हेड इंजरी है, ऐसा पता चला? हाँ, तो हेड इंजरी के लिए हमने डॉक्टर्स हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं और वो तत्काल जैसे आएंगे तत्काल उनका सब जांचें करा के उनका इलाज प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, क्या ब्लड की भी सारी व्यवस्थाएं जो भी है पूरी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है? सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त कर ली गई हैं और दिन में ही वो तस्वीर हमने दिखाया था। कोई आंकड़ा अब तक समझ में आ पाया है इंदौर के कितने लोग यहाँ पर काम करते थे और इंदौर से भी कई मजदूर जाते थे इस फैक्ट्री में काम करने के लिए? देखिए, अभी तक जो लोग यहाँ पे, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनके परिवार के हिसाब से करीब 20 से 25 लोगों की जानकारी आई सामने कि जो उसी फैक्ट्री में काम किया करते थे और उसी फैक्ट्री के बिल्कुल पास में उनका मकान था, वहां रहते थे। जिनको गंभीर चोट लगी है उन्हें इंदौर रेफर किया गया, उनके परिवार के लोग जो हरदा जा रहे थे उन्हें जानकारी पर मिली कि उनके परिवार के लोगों को इंदौर रेफर किया गया, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। और कई ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो मोबाइल नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहे हैं और उनके अपने लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। और देखिए, कुछ पहले इसी के बाद की जा रही थी कि बकायदा प्रशासन से लोग मांग कर रहे थे, अपील कर रहे थे, उसके लिए बकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाए, क्योंकि जो लोग काफी कई घंटे हो चुके हैं, जो मिसिंग है, जिनकी जानकारी नहीं मिल रही है, वो अपनों को तलाश रहे हैं, तो उनकी जानकारी लोग चाहते हैं कि कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाए तो उनको पता चल सके कि आखिर उनके लोग का इस वक्त कहां इलाज चल रहा है, वो किस हालात में है, कहां पर है। और फिलहाल लेकिन इस वक्त मैं एमवाई हॉस्पिटल मौजूद हूं और ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं कि यहां पर मिथिलेश वापस से आपके पास आएंगे, शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आप इस वक्त जहां पर हैं वहां पर क्या मूवमेंट है? शैलेंद्र, क्या आप तक आवाज आ रही है? शैलेंद्र की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रशांत भी लगातार जुड़े हैं हमीदिया हॉस्पिटल के पास से। प्रशांत, वहां पर क्या एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है अभी? क्या कोई लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? कोई बॉडी, क्या कोई घायल वहां पर अभी दिखाई दिया? जी, देखिए अभी इंतजार हो रहा है, चार एम्बुलेंस अभी तक आई हैं और कुल 6 मरीज आए, इनमें से एक रहीम नाम के जो घायल था उसकी डेथ भी हो गई है। वो घायल हालांकि बताया जा रहा है कि उस हादसे नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए पहुंचा हुआ था और इसके ऊपर दीवार गिरी थी जिससे उसकी जान गई। हमने एक और परिजन से बात की थी तो वो भी इसी तरह से घायल हुए हैं, वो ना वहां काम नहीं करते थे लेकिन संभवतः आसपास से कहीं निकल रहे थे और उस हादसे में वो भी घायल हुए हैं। ऐसे कुल 6 मरीज, कुल यहां पर अगर हम बात करें तो 6 बल्कि, तो उस लिहाज से
एक मरीज की जान गई है, अभी 5 मरीज अंदर हैं, कुल 50 बेड यहां पर रिजर्व रखे गए, 10 बेड एम्स में भी रिजर्व रखे गए। लेकिन जो जानकारी मिल रही कि जो लोग वहां से आए हैं, ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया था उसमें से कुछ एम्बुलेंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गई हैं, परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुछ लेके गए हैं या कुछ और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी लेके गए हैं, जिससे जहां जो सुइटेबल नजर आया है उस हिसाब से। और कुछ जो एम्बुलेंस है वो जानकारी आप दे रहे हैं वो हम नीचे स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं कि इस वक्त किन लोगों की जानकारी हमारे पास है, और आधिकारिक तौर पर जिन लोगों के बारे में पता चला है कि अब वो नहीं रहे, उनका नाम भी लगातार नीचे हम फ्लैश कर रहे हैं। अपना काफी झकझोर देने वाली है पूरी घटना, और इस तरह के ब्लास्ट वाकई में कई सवाल अपने आप में खड़े करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र चौहान, शैलेंद्र क्या आप तक आवाज आ रही है? शैलेंद्र क्या आप तक आवाज आ रही है? जी अंशिका, बिल्कुल। शैलेंद्र वहां क्या मूवमेंट है? मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जहां पर एनडीआरएफ का सबसे अहम अभियान चल रहा है रेस्क्यू का, जहां पर सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, सबसे ज़्यादा मजदूर जहाँ पर काम करते थे। ये वो दो हिस्से हैं जहाँ पर अब सबसे ज़रूरी रेस्क्यू चलाया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बॉडी इसकी अंदर है इमारत के। तो अब मलबे की सफाई का काम तेज़ी से चल रहा है। यह वो इमारत है और उससे लगा हुआ जो दोनों गोडाउन, पूरी तरीके से 3 मंजिला जो गोडाउन था जो ध्वस्त हो चुका था। तो यहाँ पर अभी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पर अभी भी कुछ थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ बारूद जलती हुई दिखाई दी जब यहाँ पर पानी की बौछारें मारी गई। तो यहाँ अभी तो भी काफी बारूद का है, काम अभी और लंबा चलेगा, कूलिंग में भी समय लगता है। शैलेंद्र हम आपसे और अब तमाम सहयोगी जानकारी हासिल करते रहेंगे, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।